जिसने आपकी मुख मुद्रा इतनी मलिन बनाई, मुझे घोर निद्रा से जगाने का कारण भ्राता कुंभकर्ण तुम्हारे सोते ही लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी थी वो पाली होती है। अरे सब सोना भी क्या सोना, जीवन कच्चाए खाटों में कच्चाए पहन के नाच कान तुम पड़े लभक फराटों में। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। पंचवटी में दो तपस्वी अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए थे। बहन स्वरूप शिखा ने उस स्त्री से बात करनी चाहती तो छोटे तपसी ने उससे छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसके नाक और कान काट डाले। वो रोती बिलखती चीखती चिल्लाती घर और दूषण के पास गई तो उस बड़े तपस्वी ने उन सभी वीरों का काम तमाम कर दिया। दूसरे भी मारे गए? हाँ भ्राता कुंभकर्ण। फिर तुमने क्या किया? तत्पश्चात मैंने उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर लिया। बस तभी से हमारा उन तपस्वियों के साथ युद्ध चल रहा है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं भ्राता जी? यही कि आज के निर्णायक युद्ध का नेतृत्व तुम करो भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता जी, जब तक आप उसे अपनी पटरानी नहीं बना लेते तब तक आपकी विजय होना असंभव है। मैंने सभी प्रयास कर देखे परंतु सब विफल हो गए। तो भ्राता जी, स्त्री तो वस्त्र और आभूषणों की लालची होती है, उसे वस्त्र और आभूषणों का लालच दिया होता। मैंने वो भी करके देखा भ्राता, परंतु उस स्त्री ने सब कुछ अस्वीकार किया। तो भ्राता जी, आप तो बहुत मायावी हैं। आप राम का रूप धनुष के समीप क्यों नहीं जाते? वो आपको अवश्य ही स्वीकार कर लेगी। मैंने वो भी करके देखा भ्राता कुंभकर्ण, परंतु जब जब मैं राम का रूप धर के उसके समीप गया तब तब मुझे मंदोदरी के अलावा सभी नारियों में माता और बहन का रूप दिखाई देने लगा। तो भ्राता जी, आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जिसे आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं वह जगत जननी जगदम्बा है, और वह दोनों कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं नर के रूप में नारायण है। भ्राता कुंभकर्ण, मैं तुमसे उपदेश नहीं चाहता। उपदेश नहीं भैया, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण सीता को हर कर लाएगा तो संपूर्ण राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। लेकिन भ्राता जी, एक बात तो बताइए, जो गई वहादी स्वरूप लिखा, क्या काम वहां तक जाने का? कुछ तो कारण होगा बच्चों से नाक कटाने का। इन बेमतलब की बातों में लंका की सत्यानाशी है। अब तिथियां क्या गिनना, अपनी तो पूरण माछी है, अपनी तो पूरण माछी है। वीरो, ये तो ज्ञान के चक्कर में फंस गया, इसे पतरा बांध कराया जाए। जय शंकर की।
कहाँ है राम?